आप सभी राधा नगर वासियों को हृदय से हमारा राधे राधे। जैसा कि आप सभी लोग विगत 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे थे, आज उस भागवत कथा का हवन एवं पूड़ाहुति की भंडारा था। काफ़ी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा आस्था संस्कार के साथ, बड़े ही भाव और अनुराग के साथ, भक्ति के साथ, सभी बच्चे, बड़े, बूढ़ों, जवान, माताओं, बहनों का, मातृशक्ति का बहुत अधिक संख्या में सहयोग रहा, भंडारे का प्रसाद पाया, पूड़ाहुति करे, अपने पापों का स्वाहा किया, अपने जीवन में उन्होंने कुछ बदलाव भी लाए, क्योंकि संसार में को हम नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपने को बदल सकते हैं। और ये शुरुआत राधा नगर वासियों ने कई वर्ष पहले करी। इस भागवत की कथा में काफ़ी लोगों का बहुत अधिक मात्रा में सहयोग रहा सोशल मीडिया के माध्यम से। जो इस राधा नगर के भास्कर हैं, इन्होंने बहुत अच्छी कवरेज करी है, प्रतिदिन कई अखबारों में इनके माध्यम से न्यूज़ को लिखा गया और जिसका प्रचार प्रसार हुआ, जिससे जन जन में खबर पहुँची। और कथा के अंतिम दिवस कई हजार की संख्या में, लगभग 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। तो भास्कर भैया ने बहुत सुंदर इंस्टा पर, फेसबुक पर, न्यूज़पेपरों में और व्हाट्सएप पर, अन्य अन्य ग्रुपों में इस भागवत कथा के कुछ छोटे छोटे सदुपयोग या सदविचार उनका प्रचार प्रसार किया। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं आप सभी लोगों को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आप ही के झारखंड के साहेबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड में 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक कोयरी पाड़ा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। आप अपने भौतिक इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल में यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी श्रीमद् भागवत कथा का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं या अधिक से अधिक संख्या में अपने इष्ट मित्रों के साथ सम्मिलित होकर धर्म लाभ ले सकते हैं।